You will be there for 3 days enjoying this play. Definitely, along with you, we also will enjoy. But do not forget to see Goa. Goa is a very nice place. One side you will see the Western Ghats and other side Arabian Sea with nice beaches and also a nice ancient temples of minimum 400 years old where you will be able to see. Do not forget this. I congratulate all of you and will show in next 3 days your play to every Goan. Thank you very much. टीमिक आणि सगळ्यात परत एकदा जोरदार कार्य राजवून तुम्ही त्यांची कृपा वाढवची. औदेला मलखांब असोसिएशन ऑल इंडिया मलखांब फेडरेशन आयोजित केलं आहे नॅशनल मलखांब चॅम्पियन 2019 व्यासपीठने प्रमुख अतिथि गोवा राज्य के पीडब्ल्यूडी ट्रांसपोर्ट रिवर नेविगेशन मिनिस्टर और ऑल गोवा मलखांब एसोसिएशन के फाउंडर माननीय श्री सुधीन जी ढवळीकर स्वागत करता हूं अध्यक्ष के नाते से. आज खुशी का दिन है. गोवा मलखांब एसोसिएशन के फाउंडर सुधीन जी ढवळीकर जी ने 2004 में ये मलखांब का पेड़ लगाया था. हमारा भारत का देश, हमारी देश की संस्कृति इसमें छुपी है और आज ये पेड़ बहुत बड़ा हुआ है. आज थर्ड टाइम गोवा में नेशनल चैंपियनशिप देखने को मिली है और गोवा वासियों के लिए ये खुशी की बात है. जिस समय हम 2004 में यहाँ नेशनल चैंपियनशिप हुआ था उस समय 4 और 7 में और उसके बाद में तीसरी बार और अब चौथी बार यहाँ इस स्टेडियम में ये भव्य आयोजन बहुत ही जिसके लिए कुछ कहा जाए हम लोगों के उद्यार और कोई शब्द नहीं है वास्तव में इतनी. और इस सब का श्रेय हमारी टीम के मेरे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सम्मानी कुराड़े साहब को मैं और उनके प्रेसिडेंट साहब को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं फेडरेशन की ओर से. और मैं आप सब लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि हमारा ये प्राचीन खेल मलखांब जो एंटी एजिक है मीडिया बंधुओं ये गेम एंटी एज को गतिरोधक है जो अपने एंटी एजिक के नाम से जाना जाता है. और ये प्राचीन खेल आज आपके सामने है. हमारे 25 राज्यों की टीमें